चलिए तो हम महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया? तो थॉमस मार्टिन। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी है लुई फिशर ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? जेम्स फोर्ड। 1919 में 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी? 6। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित महात्मा गांधी जी थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता ऊपर किसने भाषण दिया था? स्वामी सिद्धानंद ने। हु लिव्स इन इंडिया डाई किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह ने मारा था ने। अफ्रीका में गांधी जी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि वापस की थी, केसरी हिंद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकोडो। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का, जिसे पूर्ण स्वराज कलच घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का पृथक विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। कायदे आजम किसे कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव 1924 में। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 के कारण। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? बस 1928 में लाहौर में संडर्स की हत्या के कारण। किसने गांधी जी के दंडी मार्च की तुलना नेपोलियन की इलवा से पेरिस यात्रा में की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया गया वो अपदस्थ किया गया था? पीटर मेरिटबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना की गई? तो द रॉलेट एक्ट। ठीक है। अगला 37वां क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल
गफ्फार खान को। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो श्री सी राजगोपालाचारी। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देश जी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने पोस्ट डिटेट चेक किसे बोला था? किप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का विकसन कब किया? 1908 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती में लिखी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का पहला अनशन भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो सितंबर 1906 में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किसके बीच हुआ था? किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा? हमारे जीवन का सब विकास चला गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने टॉल स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? 1910 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू की? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू की? तो शुरू किया 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त? गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का वाला पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन 1909-1903 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने नमक का विरोध किया? 385। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ इंडोज। देश बंधु की उपाधि किसने के साथ संबंधित है? चितरंजन दास सी आर दास के साथ। नमक सत्याग्रह किस बार प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। पुस्तक ग्रेट रोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था? तो जोसेफ लेली बेल्ड ने। प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह दावे को किसने आयोजित किया? तो सूरसेन ने। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बैटन योजना के तहत। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरिल रेडक्लिफ थे।
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के का बाल्कन प्लान किसने की उपज है? लॉर्ड माउंट बैटन के मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण में 1917 में। भारत में जब कृष्ण मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लेतगो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? चितरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 तक। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की यह विधि सबसे पहले प्रयुक्त की चंपारण में। माई एस्क्यू एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार थे महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया? 1940 में। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने महात्मा गांधी ने दिया था? तो रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रोलेक्ट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। वर्धा आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। 1919 में जब पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। 1919 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना था एटी ओरिया और अरियारांट ने। सभी तीन गोल सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते का हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ 1928 में। सारे जहाँ से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो पंजाब से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार थे इकबाल। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बात की गई? तो जलियांवाला हत्याकांड के। चलो गांधी जी से संबंधित उनके कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन देख लिए इस लेक्चर में।